हाय दोस्तों, हम लोग आज टेलपर क्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अपन पास वो आप लोग देख रहे हो पीछे में ऊपर 20 टन का है और 40 टन का है, और दोनों के बारे में अपन बताएंगे, दोनों क्रेन के बारे में। तो चलते हैं अपन, बोले जाए तो क्रेन ऑपरेटर के पास, उसके पास जो भी पूछेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं ऑपरेटर के पास, फैलिस भाई है ऑपरेटर, तो इससे हम लोग पूछेंगे क्रेन के बारे में। दानिश भाई, दानिश भाई आओ। ये है अपने क्रेन ऑपरेटर दानिश भाई, इसके इससे हम लोग पूछेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो भाई जान अभी वो क्रेन का रिमोट का जो वो है तो उसमें सेल लगा रहे हैं भाई जान, तो उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इसके बारे में, उसके बाद जानकारी लेंगे, ठीक है। तो अभी सेल लगा लिए हैं, तो देखते हैं उसके बाद। फिर 40 टन का क्रेन का ऑपरेटर है भाई, तो उसके बारे में पूछेंगे हम। तो हम लोग भाई लोग हम लोग ऊपर जा रहे हैं क्रेन के ऊपर, तो आप लोग देख सकते हो ऊपर चढ़ना अलाउ नहीं है, तो ऊपर भी हम लोग जा रहे हैं बिना पूछे किसी को। तो थोड़ा रिक्शा वाला अलाउ है, मेरे लिए अलाउ नहीं है, अब भाई के लिए अलाउ है, काहे कि ऑपरेटर हैं, इसलिए मैं इनके साथ में जा रहा हूँ ताकि कुछ जानकारी ले सकूँ। तो हमारे दानिश भाई लेके जा रहे हैं क्रेन के बारे में, ये जानकारी देंगे हमको। आप देख सकते हो कितने हाइट में है अपना क्रेन, और यहाँ दानिश भाई है 40 टन में। तो दानिश भाई, मैं पूछना चाहूँगा कि ये चलता कैसे है? ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर से चलता है। अच्छा, तो जैसे ये अपना ऑन होगा, हाँ, प्रेस करके बटन करके रखना है, हाँ, तो वैसे ये है अपना हरिया अभी से, ये हरिया है यहाँ से जी, और इसको LT, ये LT है, मतलब ये सबको LT बोला जाता है? नहीं नहीं, तो ये दोनों बस LT है, ये दोनों LT है, इधर राइट लेफ्ट, हाँ, एक और ये सिटी है। अच्छा, किसको सिटी बोला जाता है? सिटी है। अच्छा चलिए आप दिखाइए। अच्छा सिटी है, ये लाइनिंग में चलता है, हाँ, राइजिंग लाइन, मतलब ये सिटी का लाइनिंग है, हाँ, ये लाइनिंग से चलता ही है। और बस और कुछ नहीं, 40 टन है, तो 40 टन है इसका मतलब ये कितना, 40 टन के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा उठा सकता है? 40 टन के अलावा एक्स्ट्रा, मेरा कहने का मतलब है 40 टन का है तो 50 टन भी उठा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हाँ, चैम्बर लगा होता है वो टूट जाएगा। अच्छा, मतलब 40 टन से हम लोग एक्स्ट्रा लोड देंगे तो टूट जाएगा, हाँ, ठीक है। तो आपके पास रिस्क लेना ही नहीं है? अच्छा, 40 टन है तो 40 टन के तक के ही रहना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो रिक्सी वाला हो जाएगा। तो आपके पास 20 टन का भी है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी बता सकते हैं? 20 टन के बारे में, 20 टन तो कुछ नहीं है। अच्छा, बस ऐसे ही सिंपल सिंपल है, हाँ, ठीक है दोस्तों। हम लोग आज ये ट्रेन का चक्का लगा इसमें। अच्छा, ये चक्का देख सकते हो, ये ट्रेन की चक्की के साइज है, हाँ, ये ट्रेन का चक्की समझ लो लगा, हाँ हाँ, साइज वही है। अच्छा, फिट भी वैसे ही किया गया, हाँ हाँ, मॉडिफाइड क्रेन है ये, हाँ, पहले क्या ये टीओटी मतलब क्रेन। अच्छा, तो आपने जैसे कि देखा कि हम एक अपना दानिश भाई ने जो ऑपरेटर है इसका, अपना दानिश भाई इसके बारे में जो क्रेन के बारे में जितना भी जानकारी दिया तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को। तो आप लोग देख सकते हो ये 40 टन क्रेन है और साइड में 20 टन क्रेन है, तो जैसे कि 40 टन है तो 40 टन ही आप मान लो, ये है ये 20 टन, इसमें 20 टन ही वजन उठा सकते हैं। तो आप दोनों, आप ये दोनों में से आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।